खबर जयपुर से है। राजस्थान हज कमेटी द्वारा हज हाउस में महात्मा गांधी के हिंदू और गोडसे वाले हिंदुत्व में फर्क देखने को सामने आया है। महात्मा गांधी के हिंदू धर्म के लोगों ने साबित कर दिया कि सही मायने में हिंदू धर्म अन्य दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के धर्म की इज्जत तो करता ही है, बल्कि उनके साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए उनके दावत रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भी शामिल होकर देश एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगने में शामिल होता है। देश के जिस जातिवाद के बुरे हालात से गुजर रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अच्छी पटल है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी द्वारा हज हाउस करबला में आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रोजेदारों के बीच पहुंचकर प्रदेश में अमन चैन खुशहाली निरोगी राजस्थान की दुआ मांगी गई। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने भी रमजान इफ्तार में दुआ पढ़ी। खबर जयपुर से है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अलवर राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के मामले में मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया इस मामले में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जागरूकता बना रहे और जो सराहनीय है। राठौर ने कहा कि करौली की घटना के बाद प्रदेश में बार बार हिंदू धार्मिक यात्राओं पर धारा 144 लगाकर कांग्रेस सरकार एक दूसरे समुदाय से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मंदिर तोड़ने के अलावा गहलोत सरकार के राज में अलवर के एक 15 साल पुराने रजिस्टर हनुमान गौशाला जिसमें 300 से 400 गाय उसे तोड़कर ऐसी भयंकर गर्मी में गायों को भूखा प्यासी भटकने के लिए छोड़ दिया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला है कि कोई भी बिना लाइसेंस के गौपालन नहीं कर सकता। गहलोत सरकार का संदेश साफ है कि एक केवल विशेष समुदाय के लिए काम सरकार कुर्सी बचाने की बौखलाहट में अपना संतुलन खो बैठी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें तुरंत रोकी जाए, क्योंकि उन्हें सत्ता में किसी धर्म विशेष ने नहीं बिठाया और उनकी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की तरफ है। ये प्रश्न बार बार उठ रहा है और इसके लिए मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी शुरू में मैंने कहा था कि इस भ्रम में मत जाइए कि वहां पे पार्षद किसके ज्यादा है। मैं वापस से दोहरा देता हूं कि प्रस्ताव में कहीं पे भी मंदिर हटाने की बात नहीं कही गई, मंदिर शब्द ही नहीं कहीं पर है, पहली बात। दूसरी बात, प्रस्ताव वापस से पारित हुआ है फरवरी 2022 के अंदर, जहां ये लिखा गया है कि 60 फीट रोड जहां नहीं हो सकती किसी कारणों से, वहां पर 30 फीट ही उसको चौड़ी करी जाए। खबर अलवर से है। राजगढ़ के 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ने पर पूर्व विधायक ज्ञान देव आहूजा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान आहूजा ने अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी रावण की उपाधि दे दी। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में 300 साल पुराना तीन मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिर में शिव की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा व हिंदू संगठन के लोगों में भारी आक्रोश है। राजगढ़ में 300 साल से पुराने तीन मंदिरों को तोड़ने में पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र आहूजा ने रामगढ़ कस्बे में प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। आहूजा ने कहा कि दिल्ली जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई रैली पर देश विरोधी विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव और राजस्थान के करौली जिले में नववर्ष पर निकाली गई भगवा रैली पर भी विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया और हिंसा को भड़काया। करौली कांड हुआ, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके राष्ट्रविरोधी लोगों ने, देश विरोधी लोगों ने, जहां दिल्ली में जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर दंगा किया देश विरोधी लोगों ने, वह अपने देश के जयचंदों ने राजगढ़ अलवर में मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी और मंदिरों को तोड़ दिया। यह सरकारी कदम था, आदेश हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का, हाईकोर्ट माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन दिल्ली में भी जहांगीरपुर में भी अगर MCED ने कार्रवाई की, मस्जिद के चारों तरफ के अतिक्रमणों को तो तोड़ा लेकिन मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया, कम से कम मंदिर गुरुद्वारों को तो छोड़ो भाई। ये राजस्थान सरकार, ये रावण रूपी सरकार, श्रीमान अशोक गहलोत लोग साक्षात लंकेश के रावण के अवतार से दो रहे हैं, उनकी बुलडोजरों ने और बस ने चला तो मार्केट को तो तोड़ा, हवाला दिया, नगर पालिका का प्रस्ताव है, हवाला दिया, हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन मंदिरों को तो छोड़ देते हैं। खबर अलवर के खैरथल से है। अलवर जिले के भिवाड़ी में विश्व शांति के लिए किन्नर संत
सीमा बाई ने भागवत कथा का आयोजन किया। महंत सीमा बाई ने द्वारा आयोजित भागवत कथा में पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में मूर्ति स्थापना से पूर्व नगर भ्रमण भिवाड़ी कराया गया। आयोजक किन्नर संत महंत सीमा बाई ने बताया कि विश्व शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाली कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कथावाचक मथुरा के पंडित लोकेश आनंद सरस्वती होंगे। खबर दौसा के मानपुर से है। सिल्कोसिस पीड़ित भगवान सहाय सैनी की मौत के करीब 8 महीने गुजर जाने के बाद भी पीड़ित की पत्नी को मुआवजा नहीं मिला है। मृतक भगवान सहाय की पत्नी सुनीता देवी श्रम विभाग के ऑफिस में महीनों से चक्कर लगा रही है। सिल्कोसिस बीमारी के चलते भगवान सहाय की 8 महीने पहले ही दम तोड़ दिया था। मृतक की पत्नी को 2 लड़के व 1 लड़की का पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है। खबर अलवर के रामगढ़ से है। पहाड़ों में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष अभियान चलाया रखा है। रामगढ़ के क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफियाओं ने खनन कर रहे पहाड़ को खोखला करके रख दिया। खनन माफियाओं को पुलिस को कोई खौफ नहीं है क्योंकि पुलिस की तालमेल से ही अवैध खनन चलता है। इसलिए पहाड़ों में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष अभियान चलाया रखा है। महेश साहब के निर्देश अनुसार अवैध खनन के रोकथाम हेतु कल दिनांक 20/4/2022 को एस श्री धर्मपाल में जाप्ता के अवैध खनन की सूचना पर ऊठी पहाड़ की तरफ गए, जहां पर एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर ट्रोली में करीब 40 मन पत्थर अवैध खनन करके ऊठी पहाड़ से लेकर जा रहा था, जिसे ऊठी घाटी में श्री धर्मपाल एस सी द्वारा गिरफ्तार किया गया। मैंने और ट्रैक्टर ट्रोली जब्त किए। किस धारा में मुकदमा दर्ज? 40/42 फॉरेस्ट एक्ट 379 जब्त किया। जयपुर के सेंट्रल स्पाइन स्थित सिनेमा स्टार टावर बेसमेंट में लखानी जूते व चप्पल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 30 से 35 गाड़ियां लगानी पड़ी। आग लगने के तुरंत बाद ही क्षेत्रीय थाने की पुलिस विद्याधर नगर पर पहुंचकर बिल्डिंग में फंसे बुजुर्ग व महिलाओं को 4th फ्लोर से उतारा। पुलिस फायर ब्रिगेड और डिफेंस की टीम कड़ी मेहनत के बाद करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई। नहीं, इसमें हताहत तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ धुएं कारण कुछ बेहोश वाला हो गए तो उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया। ये इसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से। इसमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों हैं। निश्चित तौर पे तुरंत प्रभाव से यहाँ के गार्डनर, यहाँ के जो भी जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने सबने टेलीफोन किया। हम लोग आए, हमारे पूरे पार्षद यहाँ पे आ गए और पुलिस प्रशासन पूरा आ गया, फायर ब्रिगेड पूरी आ गई। आप देख रहे हैं कि जिस पोजिशन के अंदर यहाँ पे सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे, और यहाँ तक कि ये कहूँ कि इनके आने के पहले पीछे से सिपाही जो हैं वो रेस्क्यू करके, और यहाँ के परिवार विद्याधर नगर थाना के जो सिपाही हैं वो रेस्क्यू करके ऊपर जा करके और परिवारों को निकाला है, और निकाल के पीछे की पीछे उनको नीचे उतारा है, क्योंकि महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या एक सामने आ गई थी कि धुआं इतनी हो गई थी। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर पहुँच करके और पहुँचने के बाद में पूरे प्रशासन की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से, पुलिस की मदद से, और जितने वॉलेंटियर हैं, सारे पार्षदगण हैं, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं। पहुँच करके इस आग को अब करीब करीब बुझ चुकी है।